अम्बाला शहर में रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल में प्रधान पद के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन अम्बाला शहर के होटल क्लार्किन में किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कार्तिकेय शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की गई, जिसके तुरंत बाद अनुराधा और उनके साथियों ने क्लासिकल फ्यूजन नृत्य के साथ वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम के चेयरमैन पुनीत बत्रा ने आए हुए सभी क्लब के सदस्यों का और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष के महासचिव कमलप्रीत सब्रवाल ने सभी को वर्ष 2023-24 में क्लब द्वारा करवाए गए समाज सेवा के कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके बाद पूर्व महासचिव कमलप्रीत सब्रवाल ने वर्ष 2024-25 के लिए नियुक्त महासचिव राजेश बत्रा को पिन लगाकर उन्हें चार्ज दिया। प्रधान पद की जिम्मेदारी लेते हुए रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल के नव नियुक्त प्रधान कमलप्रीत सब्रवाल ने मंच से बोलते हुए सभी को आने वाले साल में उनके और उनकी टीम द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी और साथ ही अपनी टीम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की घोषणा की। कार्यक्रम में मास्टर ऑफ सेरेमनी की भूमिका को निभाते हुए रोटेरियन मनमोहन मैनी ने रोटेरियन अमरप्रीत कौर को क्लब में लिए जाने वाले नए सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करने का काम सौंपा। रोटेरियन अमरप्रीत कौर ने क्लब में नए 15 सदस्यों को मंच पर आमंत्रित किया, जिन्हें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पिन लगाकर विधिवत तरीके से क्लब का सदस्य नियुक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मंच से बोलते हुए रोटरी क्लब अम्बाला के द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा की और कहा कि समाज सेवा के कार्यों में सहयोग देना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल के सदस्य जिस तरह अपने निजी खर्च से सेवा के कार्यों को पूरा कर रहे हैं, उनके इस नेक प्रयास में सहयोग करते हुए मैं भी अपने सांसद कोष से क्लब को 11 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि क्लब आगे भी समाज सेवा के कार्यों को करते हुए मानवता की भलाई के लिए अग्रसर रहेगा। धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका और आपका रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल का, बाकी के भी जो लोग अन्य रोटरी क्लब से यहाँ आए हैं, बाकी सब गणमान्य व्यक्ति जो सभागार में मौजूद हैं, आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और खासकर रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल का। यहाँ पर उपस्थित सुनील दत्त जी जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, मैं आपके इंस्टॉलेशन सेरेमनी में भी आया था पिछले साल। कमलप्रीत सब्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई जो रोटरी क्लब के नए प्रधान हैं, बहुत बहुत बधाई दिल से। राजेश बत्रा जी जो सचिव हैं, मनमोहन मैनी जी जो मंच संचालन कर रहे थे, पुनीत बत्रा जी आज के कार्यक्रम के चेयरमैन, और नरेश भारद्वाज जी, सुमन दिव्य जी, पी के शर्मा जी, बलराम सैनी जी और बहुत से अम्बाला के प्रमुख लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं जब भी अम्बाला आता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने घर के कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो इसलिए कोई औपचारिकता नहीं होती। और जहाँ अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच, नेक सोच के साथ काम करो तो भगवान भी आपकी मदद करता है, ऐसा मेरा मानना है। रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल लगभग पिछले 44 ईयर्स से 1980 से शुरुआत हुई थी इसकी, और जो मोटो है रोटरी का, सर्विस ऑफ सेल्फ, इसको लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुख्य तौर पर ये क्लब एजुकेशन, हेल्थ, स्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, स्पॉन्सरिंग मैरिजेस फॉर पुअर गर्ल्स, स्पॉन्सरिंग फी ऑफ पुअर स्टूडेंट्स और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में काम करते हैं जो समाज के लिए अच्छे हैं, जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति के लिए अच्छे हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मदद की। मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद पूरे क्लब का करना चाहता हूँ और साथ साथ ही आपकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करते रहिए। ये वाकई प्रशंसनीय काम है कि आप लोग इस तरीके से मदद करते हैं इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म के द्वारा। मुझे जानकारी मिली कि इराडिकेशन ऑफ एनीमिया, कैंसर, कैटरैक्ट, नो टोबैको, नो ड्रग्स, ड्रग अवेयरनेस, ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के लिए भी आपके क्लब ने बहुत काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि काम तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब हम एक विषय को इंगित करते हैं, उठाते हैं और बीड़ा उठाते हैं कि हम उसको
सिरे चढ़ाएंगे और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस होती है जो कि आप लोग, आप ही क्लब ने पिछले साल की जो टीबी के जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स को 502 पेशेंट्स को आपने अडॉप्ट किया, उसके लिए भी आपको हरियाणा गवर्नर ने भी रिकॉग्नाइज किया और मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑन मेरिट, पिछली बार 500 टीचर्स को इसके तहत आपने सम्मानित किया, या फिर जो शर्मा जी बता रहे थे कि जो एक बहुत ही अच्छे रूप और स्वरूप से आप ये जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो सिलाई सेंटर चला रहे हैं गाँव में खासकर, और 10वां सेंटर आपने रिसेंटली खोला है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं इन सब चीज़ों की सराहना तो करना ही चाहता हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ कमलप्रीत सब्बरवाल जी को भी, जिनकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी आज है और मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑलरेडी अपने पूरे साल का टारगेट साल की शुरुआत में पूरा किया है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई उसके लिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मैं क्या कहूँ, किस तरीके से कहूँ, लगाव प्रेम अम्बाला के साथ है और अम्बाला ने भी हमेशा उतना ही प्रेम और साथ दिया है, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। चाहे मैं पिछले 6 साल से जो मेडिकल कैंप अम्बाला में अलग अलग गाँव में, शहर में, जगह जगह लगाए जा रहे हैं जिनमें हजारों लोगों का अब तक इलाज हुआ है, चाहे मैं बात करूं कि जो स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को साइकिल्स, जूते, किताबें, अन्य चीज़ें लगातार मुहैया कराने की बात हो, या फिर जो भी फ्री मेडिकल सपोर्ट करने की बात हो, हमेशा से हमारे परिवार ने कोशिश की है कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उनकी मदद कर सकें, और कहीं ना कहीं रोटरी भी वही कर रहा है। तो मैं आज के इस दिन पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज मन से घोषणा करके जाता हूँ कि जो भी रोटरी का कार्यक्रम होगा, जो समाज की भलाई का है, लोगों की भलाई का है, मैं अपनी तरफ से भी उसमें 11 लाख रुपए का आपको सहयोग करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये किसी प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाए, ताकि वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे उसको हम फोकस करके अम्बाला क्षेत्र के अंदर काम कर सकें।